नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन जावा। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड सम इनिशियल पार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं ये हम बता चुके हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं ये भी हम बता चुके हैं। अब फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो एक कुछ तरीका है कॉल करने का। तो जब व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर कॉल फॉर्मल पैरामीटर, एंड व्हेन वी कॉल फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर कॉल एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स आर ऑल्सो कॉल आर्ग्यूमेंट्स। तो हम किस तरीके से फंक्शन कॉल करते हैं ये बताने के लिए हम बताना चाहते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है। पहली चीज क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल पैरामीटर टू मेथड्स और फंक्शन, यानी हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर हैं, व्हेन वी कॉल द फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर कॉल एक्चुअल पैरामीटर। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं जो पैरामीटर देते हैं वो एक्चुअल होते हैं, जब हम फंक्शन बनाते हैं व्हेन वी डिफाइन फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर फॉर्मल पैरामीटर। तो जनरली क्या होता है, एक्चुअल से वैल्यू जाती है फॉर्मल में पहुंचती है। अब दो तरीके से वैल्यू पहुंचती है, तो दो तरीके हैं हमारे फंक्शन कॉल करने के। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। तो वही चीज़ हमें बताना है, टू वेज टू कॉल एनी फंक्शन और मेथड कौन कौन से हैं। देर आर टू वेज टू कॉल एनी फंक्शन और मेथड। फर्स्ट क्या है, कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू। सेकेंड, कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो फॉर्मल में कॉपी होती है। जो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होती है। अगर हम कुछ भी फॉर्मल पैरामीटर में करें तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं आता। इस तरीके समझिए कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसको 500 रुपए दिए, अगर उस बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को 200 रुपीस दे दिए किसी काम के लिए, तो वो दूसरा बच्चा जो है वो 200 रुपए कैसे भी खर्च करे, जिसके पास 500 रुपए थे उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी वो मांगेगा वो 200 मांगेगा, यानी कि जिसको दिया है 200 रुपए वो किस तरीके से खर्च करता है पहले वाले से कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, यानी क्या हुआ, एक्चुअल से फॉर्मल में कॉपी हुई, फॉर्मल में जो भी प्रोसेस करेंगे उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं आएगा। इन जनरल जब हम कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू करते हैं तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं। वी पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक INT, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, जो कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप पास होता है, तो कॉल बाय वैल्यू क्या है, ड्यूरिंग कॉल बाय वैल्यू एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू एक्चुअल पैरामीटर। ऑल प्रिमिटिव टाइप्स लाइक INT, फ्लोट, डबल एटसेट्रा आर पास बाय वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू में। उसमें क्या होता है, वैल्यू जाती है कॉपी होती है, और फॉर्मल में जो भी हम प्रोसेस करते हैं कुछ भी चेंज करते हैं उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं आता। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू आर पास बाय वैल्यू। लेकिन दूसरा हमारा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, वैल्यू कॉपी नहीं होती। इसमें क्या होता है, वैल्यू कॉपी नहीं होती। इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई एक बच्चा है, उसके दो नाम हैं। जैसे एक बच्चा है, उसका घर में नाम है चिंटू, घर में उसका नाम है चिंटू, और स्कूल में नाम है उसका रमेश। एक बच्चा है जिसका घर में नाम है चिंटू और उसका कॉलेज में नाम जो चलता है वो रमेश है। अब अज्यूम करिए कि जब घर से बच्चा चला तो उसके चिंटू की मम्मी ने 500 रुपीस दिए, किसको दिए, चिंटू को दिए। 500 रुपीस उसकी मम्मी ने चिंटू को दिए, चिंटू की मम्मी ने चिंटू को 500 रुपीस दिए। चिंटू घर से निकले, जैसे ही कॉलेज के अंदर एंट्री मारी, चिंटू क्या हो गए, चिंटू रमेश हो गए। अब कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ
रमेश ने 200 रुपीज खर्च कर दिए, रमेश ने 200 रुपीज खर्च कर दिए, तो रमेश के पास कितने रुपए? 500 थे, 200 खर्च हो गए तो 300 बचे। रमेश के 200 रुपीज खर्च हो गए, अब रमेश के पास बचे हैं 200 रुपीज। अब रमेश यहाँ से स्कूल छूटा, घर पहुँचे, जैसे ही घर में एंट्री मारी रमेश ने, रमेश हो गए चिंटू। अब चिंटू के पास कितने रुपए हैं? चिंटू के पास 300 हैं। ये कैसे? खर्च तो रमेश ने किया, चिंटू के 200 रुपये कैसे खर्च हो गए? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सेम बट नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही बच्चा है, वो चिंटू और रमेश एक ही बच्चा है, जिसका नाम घर में चिंटू है और कॉलेज में रमेश है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस में, हम इसमें वैल्यू कॉपी नहीं करते, एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम होते हैं। एक्चुअल में जो हमारा पैरामीटर है तो उसका नाम फॉर्मल में कोई दूसरा होता है, तो हम कुछ भी चेंज करते हैं फॉर्मल में तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में आता है। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सेम बट नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है, बच्चा एक ही है, वही चीज़ प्रोग्रामिंग में है, ऑब्जेक्ट एक ही है। जिस ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं, इन जनरल वी पास ऑब्जेक्ट और अरे, अरे इज आल्सो रेफरेंस डेटा टाइप, तो अरे भी हमारी रेफरेंस डेटा टाइप है, या कोई हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं या कोई अरे पास करते हैं तो रेफरेंस डेटा टाइप होती है। तो अगर जो हम एक्चुअल से वैल्यू कॉपी नहीं होती फॉर्मल में, एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम होते हैं, फॉर्मल में जो नाम है उसी का दूसरा नाम एक्चुअल में जो है वही है। जैसे मान लिया एक्चुअल में उसका नाम OB1 है और फॉर्मल में आप उसका नाम है A, तो A और OB1 एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम है, जिसका नाम OB1 है जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं एक्चुअल में, और उसी का A जो है वो फॉर्मल में नाम है। तो अगर हम A में कोई चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन OB1 में आएगा, क्योंकि OB1 एंड A नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन, बस ऑब्जेक्ट इज सेम। तो एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं अलग अलग स्पेस पे, तो अगर कोई चेंज करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा, जैसे हमने अभी बताया आपको। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में क्या हुआ, एक क्वेश्चन था कि करेक्ट द एरर्स, करेक्ट द एरर्स। बच्चों ने क्या किया, अपने अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन लिखा और एरर करेक्ट कर दी। अब हर सब बच्चे कॉपी में एरर करेक्ट हो गई, लेकिन हमारे ओरिजिनल पेपर में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। यानी क्या किया बच्चों ने, क्या किया, उस पेपर से अपनी कॉपी में लिखा और उसको करेक्ट कर दिया, यानी ओरिजिनल पेपर में कोई भी चेंज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर यही कहा जाए कि करेक्ट द एरर्स, और एक वो जो ओरिजिनल पेपर है एक बच्चे को दिया जाए, उसने कुछ एरर कर दी, फिर वही पेपर दूसरे को दिया जाए, उसने कुछ एरर कर दी, तो क्या कर हो रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल पेपर है उसमें चेंजेज आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कॉपी करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू होती है, जब कॉपी नहीं होती है, एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम होते हैं, एक ही एरे के दो नाम होते हैं अलग अलग स्पेस पे, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम रेफरेंस डेटा टाइप पास करते हैं, लाइक एरे और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। और जब भी कोई प्रोग्राम हो, प्रोग्राम में अगर डेटा टाइप लिखा हुआ है फॉर्मल पैरामीटर में तो दिख जाएगा। अगर वहाँ पर आपको डेटा टाइप क्लास का नाम लिखा हो, पैरामीटर जो पास हो रहा है फॉर्मल पैरामीटर में उसमें नेम ऑफ क्लास लिखा है, अगर क्लास का नाम लिखा है इसका मतलब वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इन फॉर्मल पैरामीटर वी ऑलवेज हैव टाइप, हमेशा फॉर्मल पैरामीटर में क्या रहता है, टाइप रहता है, जो आप हमारा पैरामीटर है उसका टाइप साथ में लिखा रहता है। तो अगर क्लास नेम लिखा है उसका टाइप, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम पास कर रहे हैं। और अगर INT फ्लोट डबल लिखा हुआ है तो वो जनरली क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप होगा, अगर एरे नहीं है। अगर एरे है तो उसमें एरे में स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, उसे पता चल जाएगा कि एरे है, तो एरे इज आल्सो रेफरेंस डेटा टाइप। ये है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें देखिए,
मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, क्या बनाया है, क्लास टेस्ट, और लिखा है पब्लिक स्टैटिक आई एन टी एज इक्वल टू 5 और पब्लिक स्टैटिक आई एन टी बी इक्वल टू 10। यानी यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल है ए और बी, क्योंकि क्लास के तुरंत बाद दिया हुआ है, और ए इक्वल टू 5 है और बी की वैल्यू, ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ग्लोबल हैं, क्योंकि क्लास के तुरंत बाद दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये ए और बी का स्कोप जो है हर फंक्शन में होगा। अब यहाँ देखिए, पब्लिक वाइड डेमो एक फंक्शन बनाया है, और यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज इक्वल टू ए, तो आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा ए, तो ये आउटपुट आपका आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए लिख के आएगा ए इज इक्वल टू, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, और फिर यहाँ लिखा है बी इज इक्वल टू, तो लिख के आ जाएगा बी इज इक्वल टू 10 लिख के आ जाएगा, लिख के आ जाएगा, फिर क्या है, स्वैप कॉल बाय वैल्यू। अब क्या हुआ, हमने स्वैप कॉल बाय वैल्यू एक फंक्शन है, ये स्वैप कॉल बाय वैल्यू ये फंक्शन है, इसमें क्या हुआ, ये हम कॉल कर रहे हैं। अब कॉल बाय वैल्यू में हमने आईएनटी और एनटी दो पैरामीटर हैं, तो ये क्या है, पैरामीटर डेटा टाइप है आईएनटी, इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा एम है और एन है उसमें ए और बी की वैल्यू कॉपी होगी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी 5 थी और बी की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो ए और बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जब हम कॉल करेंगे ये फंक्शन, ये वाला यहाँ से कॉल बाय वैल्यू, ए और बी वैल्यू पास कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, ए की वैल्यू एम में जा रही है और बी की वैल्यू एन में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम की वैल्यू 5 हो जाएगी और एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, ये कॉल बाय वैल्यू। अब क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया है, जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल तुरंत ही, जैसे ही हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ फंक्शन वर्क करेगा, एम में ए चला गया और एन में बी चला गया, क्योंकि सीक्वेंस है ए और बी, तो ये कॉपी हुई, ए की वैल्यू एम में कॉपी हुई और बी की वैल्यू एन में कॉपी हुई। अब इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, एक ले रहे हैं टी, टी लिया, अब टी में क्या कर रहे हैं, एम की वैल्यू जा रही है, एम की वैल्यू क्या 5, तो टी में चली गई 5, और एम इज इक्वल टू एन किया, एम की वैल्यू जो पुरानी है वो घट जाएगी, क्या हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी, फिर एन इज इक्वल टू टी किया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी स्वैप हो गई वैल्यू। जब यहाँ प्रिंट करेंगे, क्या लिखा है, इनसाइड फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ लिख के आएगा आउटपुट में क्या लिख के आएगा, इनसाइड फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ क्या लिख के आएगा, ए इक्वल, तो ए इक्वल आएगा एम, एम के समय क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा, और फिर लिख के आएगा बी इक्वल, बी इक्वल एन है, एन के लिए क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाइट टाइप का था, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके फंक्शन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं, हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया है, जब उस फंक्शन से लौटेंगे तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट वापस आते हैं, उसके जहाँ पर थे उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से इस फंक्शन से जब यहाँ से कॉल किया गया, यहाँ आए, यहाँ वर्क हुआ, जो भी वर्क हुआ, उसके बाद लौट के हम आएंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब हम जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए, ए क्या है, ए में कोई चेंज नहीं आया, ए इक्वल वही है 5, तो ए इक्वल 5 आएगी, और फिर बी इज इक्वल टू 10 आएगा। अब क्या हुआ, हमने यहाँ चेंज तो किया था लेकिन हमने किस में स्वैप किया था वैल्यू को, वैल्यू हमने जो स्वैप की है वो एम और एन की है, ए की वैल्यू एम में कॉपी हुई थी और बी की वैल्यू एन में कॉपी हुई थी, तो हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो फॉर्मल पैरामीटर में किए हैं एम और एन में, इसका रिफ्लेक्शन ए और बी में नहीं आएगा, इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो जब हम लौट के आए, ये फंक्शन कॉल करने के बाद लौट के आए, ए और बी की वैल्यू हमने प्रिंट की, तो फिर वही पुरानी वैल्यू हमको मिली, ए की वैल्यू 5 मिली और बी की वैल्यू 10 मिली, जबकि फंक्शन के अंदर जब हम थे तो ए की वैल्यू 10 हो गई थी और बी की वैल्यू 5 हो गई थी, एम और एन की हुई थी, एक तो एम की वैल्यू ए में ए था इसलिए ए प्रिंट, एम प्रिंट कर दिया, और एन
ए में बी की वैल्यू एम एन में थी तो प्रिंट हो गई, तो वहाँ तो चेंज हो गई, फंक्शन में चेंज हो गई और प्रिंट भी हो गई, लेकिन वो चेंज किसकी हुई, एम और एन की हुई, ए और बी की नहीं हुई। हमने फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस किए, एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं आया, यही है कॉल बाय वैल्यू। अब आगे बढ़े, अब हमने क्या किया, टेस्ट ओ बी इज इक्वल न्यू टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ये इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास। तो हमने क्या लिखा, टेस्ट ओ बी इज इक्वल न्यू टेस्ट, तो ओ बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ओ बी नाम का क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ओ बी, ओ बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ है, अब हम कह रहे हैं स्वैप कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस एक फंक्शन है, ये हमारा स्वैप कॉल बाय रेफरेंस एक फंक्शन है, और ये ओ बी और यहाँ ओ बी जे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं, यहाँ पर वैल्यू कॉपी नहीं होती है, जिसका नाम यहाँ पर ओ बी है, जिसका नाम यहाँ पर ओ बी है, उसी का नाम यहाँ पर ओ बी जे है, इस फंक्शन के अंदर ओ बी जे है, तो अगर हम ओ बी जे में कोई चेंज करेंगे उसका रिफ्लेक्शन ओ बी में आएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया ओ बी ऑब्लिक ओ बी जे, तो ओ बी में ओ बी जे में चेंज करेंगे तो, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम है, जिसका नाम यहाँ पर ओ बी है उसी का नाम इस फंक्शन के अंदर ओ बी जे है, तो अगर हम ओ बी जे में कोई चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन ओ बी में आएगा। अब यहाँ है, हमने कहा टी इज इक्वल टू, मतलब आई एन डी टी लिया, फिर क्या कहा, टी जोड़ ओ बी जे आ डॉट ए, तो ओ बी जे डॉट ए का मतलब क्या है, ये ओ बी कहें ओ बी जे कहें, ये डॉट ए मतलब ए, ये वैल्यू यानी ओ बी, ये ए और बी दो वैल्यू हैं, ओ बी और ओ बी जे दोनों की, तो जब डॉट करके वैल्यू करेंगे तो अब यहाँ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा टी जोड़ ओ बी जे डॉट ए, तो जो हमारा T है, T में क्या जाएगा, T में जाएगा A की वैल्यू, A की वैल्यू इस समय क्या है, A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू क्या है 10 है, तो T में क्या चला जाएगा A यानी 5, और यहाँ है ओ बी जे डॉट ए, ओ बी जे डॉट ए मतलब ये यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 10, और फिर क्या है ओ बी जे डॉट बी जो वैल्यू टी, टी वैल्यू क्या है 5 है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 5, यानी ए और बी की वैल्यू बदल गई, हमने ओ बी जे में चेंज किया, क्योंकि ओ बी जे और ओ बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं, जिसका नाम यहाँ पर ओ बी है इस फंक्शन में, उसी का नाम इस फंक्शन में ओ बी जे है। अब यहाँ पर हमने प्रिंट किया इनसाइड सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ प्रिंट हो क्या आएगा, इनसाइड सेकेंड, यहाँ लिखा आएगा ए इक्वल, ए इक्वल ओ बी जे डॉट ए, ओ बी जे डॉट ए इक्वल क्या है 10, तो यहाँ 10 आएगी, फिर हमने कहा बी इक्वल ओ बी जे डॉट बी, तो क्या आएगी 5 आएगी, ए और बी इक्वल चेंज हो गई है। अब इस फंक्शन से हम लौटेंगे, इस फंक्शन से जब लौटेंगे तो यहाँ क्या आएंगे, ए इज इक्वल टू ए, तो ए इक्वल क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है, बी इक्वल 5 हो चुकी है, तो यहाँ प्रिंट होगी A इज इक्वल टू क्या होगी प्रिंट 10 और B इज इक्वल टू 5 प्रिंट होगी, यानी इसके नीचे प्रिंट होगी दोनों। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, हमने जो भी चेंजेस किए ओ बी जे में किए, हमने जो भी चेंजेस किए ओ बी जे में किया है, हमने स्वैप किया वैल्यू ओ बी जे डॉट ए और ओ बी डॉट बी की, लेकिन क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम थे, जिसका नाम यहाँ पर ओ बी था उसी का नाम वहाँ पर ओ बी जे है, तो अगर हम ओ बी में चेंज करें या ओ बी जे में चेंज करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। जैसे हमने बताया था कि एक बच्चा चिंटू है जिसका नाम स्कूल में रमेश है, तो अगर हम चिंटू, अगर रमेश मेरिट में आएंगे तो चिंटू भी मेरिट में आ जाएंगे, जिसका नाम बच्चे का रमेश है वो स्कूल में है और चिंटू घर में है, तो अगर चिंटू टॉप करते हैं मेरिट में आते हैं, रमेश मेरिट में आते हैं, तो चिंटू भी मेरिट में आ जाएंगे। अगर स्कूल में रमेश कोई गलती करते हैं तो टीचर अगर कोई पनिशमेंट देता है तो वो पनिशमेंट चिंटू को भी मिल रहा है, घर जब पहुंचेंगे तो चिंटू सहलाएंगे, अगर थप्पड़ पड़ गया किसको पड़ा, रमेश को, लेकिन जब घर पहुंचे तो वो कौन है, चिंटू है, तो चिंटू को दर्द होगा। तो ऑब्जेक्ट इज सेम बट नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन, तो
जिसका नाम चिंटू है इस घर में, उसी का नाम स्कूल में रमेश है, तो अगर रमेश में कोई चेंज आता है तो चिंटू में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। तो वही चीज़ देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जब स्वैपिंग हो गई ए और बी वैल्यू चेंज हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन आया, वैल्यू बदल गई। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ए और बी वैल्यू चेंज किया, इनसाइड तो चेंज हो गई, इनसाइड ये जो है इतना इनसाइड वर्क था, ये पहले वाले का था और ये दूसरे वाले का इनसाइड है, ये पहले स्टार्टिंग में प्रिंट हुई ये दोनों वैल्यू, फिर जब फंक्शन के अंदर आए इसके तो ये चीज़ प्रिंट हुई, फिर लौट के आए तो यहाँ फिर प्रिंट किया तो ये प्रिंट हुआ, फिर इसके फंक्शन के अंदर गए तो यहाँ चेंज आया ये प्रिंट हुआ, फिर जब लौट के आए फिर प्रिंट किया तो आपको देखिए चेंज वैल्यू मिल रही, ए वैल्यू 10 और बी वैल्यू 5 मिल रही, यानी जो चेंज हमने किया है यहाँ उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मिल रहा है। तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ए 10 होगा बी 5 होगा, जबकि इनिशियल में उल्टा था। तो ये है कॉन्सेप्ट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। तो ये है आपका तरीका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इस तरीके से वर्क करता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, कॉल बाय वैल्यू में हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप पास होता है, कॉल बाय रेफरेंस में वी ऑलवेज पास ऑब्जेक्ट और अरेज। इससे अब हम बात करते हैं रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन और मेथड, रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन और मेथड, फंक्शन या मेथड से वैल्यू कैसे रिटर्न होती है। तो उसके लिए अगर हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, इफ वी डोंट वांट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम फंक्शन देन वी यूज वर्ड एज रिटर्न टाइप। लेकिन अगर हम वर्ड नहीं दिया है, कोई दूसरा टाइप दिया है, तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, और ये किससे रिटर्न होगी, यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे तीन, जैसे एक और होता है, एक ब्रेक होता है, एक होता है कंटिन्यू, एक रिटर्न है। ब्रेक इज ऑल्सो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंटिन्यू इज ऑल्सो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, और रिटर्न इज ऑल्सो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इज यूज टू ब्रेक द करेंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक। ब्रेक काम क्या करता है, करंट ब्लॉक से बाहर निकल जाता है, जिस ब्लॉक के अंदर है उसको ब्रेक कर देता है और उस ब्लॉक से बाहर चला जाता है। और जो हमारा कंटिन्यू है वो क्या करता है, जैसे लूप चल रहा है, अगर कंटिन्यू मिलेगा, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा उस लूपिंग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो छूट जाएगा। इन कंटिन्यू इज यूज टू ब्रेक द करंट ब्लॉक एंड कंटिन्यू इट अगेन। क्या करता है, करंट ब्लॉक को ब्रेक करेगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगा, यानी बचा पोर्शन जो बॉडी का है वो नहीं होगा उस प्रोसेस में, फिर अगले फिर कॉपी हो जाए, फिर चालू हो जाएगा। तो अगर हमने कंटिन्यू फॉर्क सा लगाया है तो कहाँ चला जाएगा, अपडेशन में। अगर व्हाइल के साथ लगाया है, डू व्हाइल के साथ लगाया है, तो कंटिन्यू होते ही सीधे कंडीशन में चला जाएगा। तो ये है ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न तीनों अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। तो ब्रेक से क्या करता है, ब्लॉक ब्रेक कर देता है और बाहर चला जाता है ब्लॉक के। कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक तो करता है, बचा पोर्शन छूट जाता है उस लूप के लिए, और फिर वो अगला प्रोसेस चालू कर देता है। यानी कि अगर आपने फॉर में लगाया है तो सीधे चला जाता है अपडेशन पे, अगर व्हाइल या डू व्हाइल में लगाया है तो प्रोग्राम कंट्रोल चला जाता है सीधे कंडीशन पे, और फिर से प्रोसेस करता है, फिर से लूपिंग का कॉन्सेप्ट चेक करता है और वर्किंग करता है। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू और विदाउट वैल्यू एंड गो टू कॉलिंग फंक्शन। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, सीधे सीधे उस जहां हैं, जहां रिटर्न लगा हुआ है वहां से, उस फंक्शन से बाहर होता है, विद आर विदाउट वैल्यू, विद आर विदाउट वैल्यू बाहर होता है। आप रिटर्न के साथ हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर हमारा रिटर्न टाइप क्लास है, अगर हमारा रिटर्न टाइप क्लास है तो रिटर्न के साथ ऑब्जेक्ट होगा, वो रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट और वो जाके दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा। तो हम रिटर्न के साथ सिर्फ एक आइडेंटिफायर दे सकते हैं, वो आइडेंटिफायर आइडेंटिटी टाइप, फ्लोट टाइप, लवर टाइप, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
तो रिटर्न क्या करता है, जहाँ से कॉल किया गया है लौट के वहाँ उस फंक्शन में पहुँच जाता है जहाँ से उस फंक्शन, जिस फंक्शन में रिटर्न लिखा है उस फंक्शन को जहाँ से कॉल किया गया है उस फंक्शन में लौट जाता है। अगर हमारा रिटर्न टाइप नहीं है तब भी जैसे ही फंक्शन हमारा ख़त्म होता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल जहाँ से कॉल किया है वहाँ उसके नेक्स्ट स्टेशन पे वापस चला जाता है। जैसे इन दोनों फंक्शन में आप देखिए ना, इसमें रिटर्न है और ना ही इसमें रिटर्न है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिटर्न टाइप हमारा वाइड है, इसमें भी और इसमें भी वाइड है, इसलिए रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा वैसे ही जहाँ से कॉल किया गया था, जैसे यहाँ पर कॉल किया गया था कॉल बाय वैल्यू, तो इस फंक्शन से यहाँ से लौटेगा तो यहाँ आ जाएगा, और इस फंक्शन में ये यहाँ कॉल किया गया है स्वैप कॉल बाय रेफरेंस, तो यहाँ से लौट के यहाँ आ जाएगा। तो रिटर्न, अगर हमारा रिटर्न टाइप वाइड है तो रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हैं रिटर्न तो रिटर्न के आगे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न होगा। तो अगर हमारा रिटर्न टाइप वाइड है तो हम यूज कर सकते हैं रिटर्न, लेकिन रिटर्न के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो अगर वाइड है तो ज़रूरत नहीं है रिटर्न लिखने की। अगर आप लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन रिटर्न के बाद फिर कुछ नहीं होना चाहिए अगर रिटर्न टाइप वाइड है। तो ये काम है हमारा, ठीक है। और सिंगल वैल्यू रिटर्न होती वो ऑब्जेक्ट हो सकती है या पैरामीटर टाइप भी हो सकता है। अगला है टाइप्स ऑफ मेथड्स और फंक्शंस इन जावा। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कंप्यूटेशनल मेथड्स और फंक्शंस, मैनिपुलेटिव मेथड्स और फंक्शंस एंड प्रोसीजरल मेथड्स और फंक्शंस। कंप्यूटेशनल में क्या होता है? कंप्यूटेशनल मेथड में हम कंप्यूट करते हैं और वहाँ से वैल्यू रिटर्न कराते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं और वहाँ से वैल्यू रिटर्न कराते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल। दूसरा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव में क्या होता है? वहाँ पर कोई मैनिपुलेट होता है और फिर हम चेक करते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें वन या जीरो या ट्रू फॉल्स ऐसे करके रिटर्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटिव मेथड्स। और प्रोसीजरल मेथड में क्या होता है? हम वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, सिर्फ वहाँ प्रोसेस करते हैं और लौट आते हैं, वहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, सीधे वहाँ क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं और लौट आते हैं। जैसे ये दो फंक्शन है, यहाँ पर हमने प्रोसेस किया, प्रिंट किया जो भी करना था और लौट गए, यहाँ भी हमने प्रोसेस किया जो भी चेंजेस करने थे किया और फिर इस फंक्शन से लौट गए बगैर किसी वैल्यू रिटर्न किए। अब हम बात करते हैं प्योर एंड इम्प्योर मेथड्स और फंक्शंस। प्योर और इम्प्योर दो होते हैं। प्योर में क्या होता है? अ प्योर मेथड इज द वन दैट टेक्स ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव डेटा एज एक्चुअल पैरामीटर्स बट नेवर मॉडिफाई द एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी कि प्योर फंक्शन हमारा क्या होगा? अगर हमने जो फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू पहुंचाई है एक्चुअल से, अगर हम कोई फॉर्मल में कोई चेंजेज करें तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में ना आए, यानी हमारा एक्चुअल मॉडिफाई ना हो, उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में ना पड़े, तो अगर ऐसा फंक्शन है तो वो प्योर फंक्शन है। इन जितने भी कॉल बाय वैल्यू फंक्शन होते हैं वो प्योर फंक्शन होते हैं, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में ही एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होती है। अगर हम कोई चेंज करें फॉर्मल में तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं आता है। तो कॉल बाय वैल्यू, सारे कॉल बाय वैल्यू फंक्शन प्योर फंक्शन होते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस जो है, कॉल बाय रेफरेंस प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। अगर हमने कोई चेंजेस कर दिए हैं कॉल बाय रेफरेंस में, जैसे हमने यहाँ चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ पर हमने चेंजेस किए थे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारा एक्चुअल में पड़ रहा है। हमने जो ए और बी को लूप पास करी थी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ये इम्प्योर फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? इम्प्योर। ये वाला क्या हो गया? ये प्योर फंक्शन हो गया। और ये क्या है? इम्प्योर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ने पास किया था उस ऑब्जेक्ट में हमने चेंजेस कर दिए, उसका रिफ्लेक्शन हमारे एक्चुअल में पड़ गया है। तो जब ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्योर फंक्शन। तो इम्प्योर में क्या होता है? एन इम्प्योर फंक्शन चेंजेज और मॉडिफाइज द एक्चुअल पैरामीटर्स, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन उसका आ जाता है। तो प्योर में उसका रिफ्लेक्शन फॉर्मल एक्चुअल में नहीं पड़ता है। अगर हम फॉर्मल में कोई चेंजेस करें तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल में नहीं पड़ेगा। लेकिन इम्प्योर फंक्शन में अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं, नहीं किया है, अगर हमने चेंजेस किया है और ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। अगर हमने कोई चेंजेस किए नहीं, कुछ और प्रोसेस किया, अंदर प्रोसेस किया है, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया था उस ऑब्जेक्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, कोई चेंजेस नहीं किए, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा हमारे एक्चुअल पैरामीटर में, तो उस समय भी वो प्योर फंक्शन हो जाएगा। तो जितने भी कॉल बाय वैल्यू हैं वो प्योर फंक्शन होते ही होते हैं। जो कॉल बाय रेफरेंस हैं, प्योर इम्प्योर दोनों हो सकते हैं।
तो हमने ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया है कि कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फिर बताया कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शन से यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, फिर मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स, फिर बताया मैंने प्योर एंड इम्प्योर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो नए नए वीडियो मिलते रहें। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बगल में एक बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन में जाएं और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे पहले वीडियो आ चुके हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो नए आते रहेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो देखने हैं और अपने नियर और डियर को शेयर करने हैं, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जब भी वीडियो देखें, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन बचेगा नहीं। अगर आप अधूरा देखेंगे तो आप कन्फ्यूज होंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बात तो हमें समझ नहीं आई, इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और कैसे फंक्शन और तरीके से कॉल करते हैं उससे रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच।